हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों एक तैयारी जो है वो शुरू हो गई है वेतन वृद्धि को लेकर। वेतन वृद्धि के लिए कहा जा रहा है कि 6 राज्यों का अध्ययन करेगी टीम। नए साल में आपको बड़ी सौगात मिलने जा रही है और 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए विभाग जो है वो तैयारियां जोरों पर कर रही है। वेतन वृद्धि के लिए 6 राज्यों का अध्ययन करेगी टीम। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तें भी बदलेंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तें बदलने के लिए पूरा बता दिया गया है कि नियोजित शिक्षक का जो वेतन था, आप देख सकते हैं कि अलग अलग अनुभव के आधार पर बढ़ेगा वेतन, बात कही जा रही है। ये पहले का पूरा दे रखा है। आप देख सकते हैं कि 9000 से 12000 रुपये था नियोजित। यूपी में देख सकते हैं जो शिक्षक था उनका वेतन कितना था, लेकिन एक बम्पर बढ़ोतरी के बाद आप देख सकते हैं कि सूबे के नियोजित शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि व उचित वेतनमान देने के लिए शिक्षा विभाग की टीम जो है 6 राज्यों का दौरा करेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली व हरियाणा में नियोजित शिक्षकों को दिए जा रहे वेतन का टीम अध्ययन करेगी, यानी कि अन्य राज्यों से तुलना किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिहार में सबसे कम जो वेतन जो है वो दिया जा रहा था। इसके बाद अब कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जो है विभाग लेने जा रही है और कहा जा रहा है कि अनुभव के आधार पर जो है वो वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, नियुक्ति की सेवा शर्तों में बदलाव होगा। और लिखा है कि शिक्षकों के अनुभव के आधार पर वेतन में वृद्धि की जाएगी। नए वेतनमान में राशि वृद्धि के लिए शिक्षकों के अनुभव के आधार पर राशि की वृद्धि की जाएगी। साथ ही शिक्षकों को अन्य सरकारी सुविधाएं देने और समय समय पर प्रोन्नति देने की बात भी जो है वो कही जा रही है, तो ये काम भी होगा। स्पष्ट रूप से एक बड़ी मांग है सेवा शर्त को लेकर कि नियुक्त शिक्षकों की जो है सेवा शर्तें जो है वो बदली जाएंगी और जल्द विभाग जो है वो बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। आगे देखिए, लिखा है कि यदि बिहार सरकार प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन आप देख सकते हैं 40000 कर देती है, तो प्रधान शिक्षकों का कुल वेतन नई पेंशन स्कीम में कटौती के बाद 70000 प्रतिमाह मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि भाई जो प्रधान शिक्षक नियोजित शिक्षक है सभी के लिए विभाग जो कुछ अच्छा कर रही है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जानकारी के अनुसार बताया गया है कि प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 40000 प्रतिमाह तथा प्रधान अध्यापक का मूल वेतन 45500 करने पर शिक्षा विभाग ने सहमति बना दी है। तो अगर मूल वेतन इतना किया जाता है तो 70000 से 80000 रुपये प्रतिमाह जो है वो वेतन जो है वो चला जाएगा हेडमास्टर का। आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है कि मूल वेतन 40000 से अगर 45000 होता है तो राज्य भर के 75000 स्कूलों में अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक कहा गया था कि भाई 47000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जो है सरकार करना तय करेगी। और लिखा है कि राज्य भर के 75000 स्कूलों में कहा गया था, देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगस्त तक का टारगेट बनाया गया था, अगस्त सितंबर तक का, लेकिन ये टारगेट अब जो है वो आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। आगे लिखा है कि 48000 नव नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापक नीति सरकार देगी सौगात। वेतनमान में बदलाव की तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन 40000 और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन 45000 हो जाएगा। तो इससे आप लगा सकते हैं कि भाई सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितना 8 साल पुराने शिक्षकों का है, यदि ऐसे शिक्षक जो 15 साल या 18 साल पुराने हैं उनको प्रधानाध्यापक बनने के बाद उनके वेतन में जो कमी हो जाए तो कहीं से यह न्याय संगत नहीं होगा, मानव अधिकारों का हनन होगा। अतः यह बात साफ है कि पूर्व के न्याय निर्णय में भी दिया गया है और समान प्रशासन विभाग में भी इसका वर्णन है कि कोई भी बढ़िया पोस्ट जो है सभी कन्या कर्मियों को बराबर का हक दे। और आप देख सकते हैं कि शिक्षक की बाहरी होने के बाद बिल्कुल उतनी वेतन संरचना को सुदृढ़ किया जाए, 5 से 7000 8000 तक की बढ़ोतरी की जाए। बढ़ोतरी के पीछे भी प्रोन्नति का कारक काम करता है। पुराने शिक्षकों को 2 प्रोन्नति मिलने के बाद लगभग 36-37000 के आसपास उनका मूल वेतन हो जाता है, देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार देने जा रही है सौगात, वेतनमान में बदलाव की तैयारी है। अगर मूल वेतन 40000 से 45000 रखा जाता है तो आप देख सकते हैं कि वेतन में 70 से 75000 तक होने की पूरी संभावना है। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। वेतन वृद्धि की बात तो कही जा रही है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद।